था, तुमने तो गांव का जैसे रूप है बदल दिया है। सच्ची बोलता हूँ, 20 साल से ऐसी फसल देखा न सुना। अब की मालूम पड़ता है कि जैसे फसल जमीन से नहीं आसमान से बरसी हो। तो घबराते क्यों हो लाला, तुम्हारे लिए तुम्हारे 3 हिस्से अलग रखवा दिए हैं। अच्छा जाओ ले लो। अच्छा ज्वाला सिंह, हमारे पहाड़ सिंह, चलो गाड़ी भरवाओ। बिरजू बेटा, कैसी तबीयत है? जरा हट जा बेटा, ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना। लाला पहले हिसाब दिखा, फिर मेरी ज्वारी पे नजर डालना। तो तू हिसाब देखेगा है? अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा कि हिसाब दिखाना पड़ेगा। सुन लो भाइयों, बिरजू अब सुखी लाला का हिसाब देखेगा। अरे बेटा, तेरे बाप ने हिसाब नहीं देखा तो तू क्या देखेगा? बाप का हिसाब बेटा देखेगा। देख ले भैया, हिसाब दिखाओ। अरे हट जा, हट जा। मैंने तो हिसाब दिखाने को कहा था राजा। चलो उठाओ ज्वारी, जो काम करने हो करते नहीं, बंदूक उठाने चले हो। अरे मुंह क्या देखते हो, उठाओ ज्वारी। बिच्छू, माँ एक दाना नहीं लेने दूंगा। बिच्छू, बिच्छू उसका बाकी है तो देना ही पड़ेगा। हट, ले जा अपनी ज्वारी। जी तारा बेटा। अरे मेरा मुंह क्या ताक रहा हो, जल्दी उठो। से ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन घोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल पिला। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। नहीं बिच्छू, तो बोल इसको, मुझे हिसाब दिखाए। या तुझे हिसाब देखना है ना, ये ले। सुंदर चाची, ये ले, ये ले, ये ले, दे, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़। माँ तू पढ़। अरे भैया, और किसी से पढ़वा ले। तू पढ़। अरे पढ़ो ना भैया, इसमें शर्माने की कौन बात है? बिरजू को हिसाब समझना है, पढ़ के समझा दो उसे। काका तू पढ़। बिरजू ये विद्या है, विद्या। क्या हम लोगों को पढ़ना आता तो ये दिन थोड़े देखने पड़ते क्या? तो फिर बिना समझाए अंगूठे बना दिए। अरे इस पे तो तेरी दादी का अंगूठा भी बना हुआ है। क्या